भिवानी में स्वास्थ्य शिक्षा और सहयोग संगठन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था, लेकिन इन्हीं वजहों के चलते अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और अब इस कार्यक्रम के आयोजक केजरीवाल के नहीं पहुंचने से बेहद नाराज दिखाई दिए। उन्होंने इस मामले को अपने स्वाभिमान से जोड़कर देख लिया है। वहीं इस पूरी उठापटक के बीच आयोजकों ने भिवानी की नई मंडी स्थित आयोजन स्थल पर ही अनशन शुरू कर दिया। आयोजकों की मांग है कि जब तक केजरीवाल उनके सम्मेलन को संबोधित नहीं करेंगे, तब तक वो यहां अनशन पर डटे रहेंगे। लेकिन तो कोई मांग नहीं है जी, कि स्वाभिमान की लड़ाई है ये। तो उन्होंने मेरे को दिल्ली बुलाया, हमारी टीम को, हमारी 40-42 लोग, हमारे प्रधान जी, हम सब वहां गए। उन्होंने अभिभावक सम्मेलन का कहकर हमें टाइम दिया कि आपको अभिभावक सम्मेलन करवाना है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। आरम्भ जब उनको टाइम दिया हमें 30 तारीख का, तो हमने अपने भरसक प्रयास किए, तन मन धन से हम उनके साथ जुड़ गए थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और पता नहीं किस कारणों से उन्होंने बगैर बताए अचानक ही मैसेज डाल दिया कि अभी नहीं आ रहे हैं। मेरे को करीबन 26 घंटे हो गए, मैंने पानी के अलावा कुछ नहीं लिया है। चाहे 260 घंटे हो जाए या 260 दिन हो जाए, जब तक अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आकर इस अभिभावक सम्मेलन को संबोधित नहीं करेंगे, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। आपको बता दें कि भिवानी में दयानंद गर्ग और उनके सहयोगियों ने शहर की नई अनाज मंडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभिभावक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मुख्यमंत्री भिवानी नहीं पहुंचे और यही बात आयोजकों को बुरी लग गई। वहीं अरविंद केजरीवाल के नहीं आने के पीछे दो अलग अलग तरह के बयान सामने आए। सबसे पहले तो ये कहा गया कि इस कार्यक्रम में भीड़ ही नहीं जुट पाई, इसलिए अरविंद केजरीवाल बीच रास्ते में से ही लौट गए। उनके जो मॉडरेटर थे, जो दिल्ली से 3 दिन से हमारे पास रुके हुए थे, अचानक उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि केजरीवाल जी नहीं आ रहे। मैंने पूछा जी इसका क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ भीड़ नहीं है। मैंने उनको दिखाया सारी चीजें, फिर भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसा जी ऐसी कोई भीड़ वाली भी बात नहीं थी, पूरे संगठन हमारा यहाँ मौजूद था, पूरे साथी, पूरा भिवानी शहर यहाँ मौजूद था। आज के न्यूज़पेपर में आप फोटो देख सकते हैं, हमारे पास वीडियो है। और हरियाणा का अपना हिसाब रहता है, आज तक होता रहा है कि जब तक मुख्य वक्ता नहीं आ जाता है तब तक पब्लिक नहीं आ जाती है। अगर अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आ जाते तो मैं कहता हूँ कुर्सी तो क्या, यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। ये लोग कहते हैं कि भीड़ नहीं है, आज के अखबार की न्यूज़ में मैंने देखा कि लोगों की यहाँ जेबें तक कट गई हैं। तो क्या अगर भीड़ नहीं थी तो जेबें वैसे ही कट गई, जेबें जब भी कटती वो भीड़ में ही कटती। वहीं हंगामा बढ़ता देख आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद को भी एक बयान पेश करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो बिल्कुल पहले वाले बयान से उलट था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल रास्ते में आ गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। आज की खबर में नवीन जय हिंद जी का बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल बीच रास्ते से तबीयत खराब होने के कारण चले गए। एक तरफ वो कह रहे कि भीड़ ना होने के कारण नहीं आए, कोई कुछ कह रहा है, उनके पदाधिकारी कह रहे हैं ये तो टिकट के लिए कर रहे थे, कोई कुछ कह रहा है कि स्टेज पे इनके पदाधिकारी नहीं बिठाए इसलिए हो गया, कोई कह रहा है कि परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ वाद विवाद हो गया इसलिए हो गया। पहले तो यह तय करें कि मुद्दा क्या है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि बात क्या है। वहीं अब कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि अगर केजरीवाल को आना ही नहीं था तो वो पहले ही उन्हें मना कर देते, ताकि वो इस तरह से निराश ना होते, लेकिन इस तरह से बिना बताए अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम में ना पहुंचकर उनका अपमान किया है और इसके लिए अब वो वकीलों से सलाह लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लीगल नोटिस भी भेजेंगे। दयानंद ने जो अभिभावक सम्मेलन करा था उसके समर्थन में आज यहाँ आए हैं और इसके साथ जो केजरीवाल ने धोखाधड़ी की है उसके खिलाफ भी हम यहाँ उनके साथ, जो हमारा स्वास्थ्य शिक्षा कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगा और हम वकीलों से लीगल राय ले रहे हैं कि इसके केजरीवाल के खिलाफ इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है कोर्ट के थ्रू या प्रशासन के, क्योंकि हम जल्दी ही एक प्रशासन को ज्ञापन देंगे और केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करता है तो हम कोर्ट के थ्रू लीगल कार्रवाई करके केजरीवाल को नोटिस जारी करवाएंगे। वहीं अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या अरविंद केजरीवाल खुद कोई सफाई पेश करेंगे या नहीं। सत्य खबर के लिए भिवानी से मन शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।